सोलन के भाजपा के सहयोगी दल आरएसएस का सोलन के दुर्गा क्लब में कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिस समय यह कार्यक्रम आयोजित किया गया उस समय कुछ झुटपैया नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की तस्वीर को चादरों से ढककर अपनी संकीर्ण मानसिकता का परिचय दिया। ये आरोप कांग्रेस के विधायक धनीराम शांडिल ने भाजपा और आरएसएस पर लगाया है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि भाजपा लगातार प्रजातंत्र का गला घोंटने में लगी हुई है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दुर्गा क्लब के विकास में मुख्यमंत्री सोलन के विधायक केंद्र के मंत्री ने सत्ता में रहते हुए आर्थिक अनुदान दिए हैं, जिसके चलते उनकी तस्वीर और नाम पट्टिकाएं लगाई गई हैं। लेकिन ये भाजपा और आरएसएस को रास नहीं आई और जबरन दुर्गा क्लब में उन पर पर्दा डालकर उन्हें ढकने का घृणित कार्य किया गया है, जिसके लिए उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी। इस मौके पर रोष प्रकट करते हुए कांग्रेस विधायक धनीराम शांडिल ने भाजपा और आरएसएस पर तीखे प्रहार करते हुए कहा कि ये दोनों डरते भी हैं और जलते भी हैं कि कहीं उनका हाल फिर से सन 1984 की तरह ना हो जाए। उन्होंने कहा कि आरएसएस के कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री की तस्वीर को ढककर अपनी संकीर्ण मानसिकता का परिचय दिया है। उन्होंने कहा कि वह इसकी शिकायत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को करेंगे, ताकि वह भी अपने पार्टी की पदाधिकारियों की गंदी सोच के बारे में जान सके। इसमें कल बड़ी ही एक निंदनीय घटना हुई, और वो ये कि यहाँ पे आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने एक कोई फंक्शन किया, लेकिन ऐसी पूजा के समय वहाँ इतने बड़े महान नेता, जिस जैसा राजा वीरभद्र आकार के नेता, और उनके साथ हम मंत्री और जो दूसरे लोगों की फोटोग्राफ्स है वहाँ, ठाकुर कौल सिंह जी की भी रही है, जो भी वहाँ पे विजिट किए हैं, तो उस प्रकार से वहाँ पे अच्छी पट्टिकाएँ भी हैं, उन सबको उन्होंने कवर कर दिया। और कवर करने के बाद ये देखा जा सकता है, मैं हैरान हूँ कि इतनी निम्न स्तर की सोच क्यों किसी भी दल में हो। ये डरते भी हैं और बच्चे जलते भी हैं। डरते इसलिए हैं कि कहीं 1984 जैसी स्थिति फिर न बन जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं देश में क्या हालत हो रही है। और जलते इसलिए हैं कि कांग्रेस हमेशा शालीनता में रहती है और वो अपने उसी प्रभावशाली काम से कांग्रेस विकास करती है, लोगों को कोई बटने नहीं देगी। कितनी, मैं समझता हूँ, कितनी जद्दोजहद के बाद, कितने संघर्ष के बाद हम देश को यहाँ तक लाए हैं। अब ये जो काम हुआ है जयराम ठाकुर जी की के मान में नहीं हुआ, मैं समझता हूँ या तो उनको अपमान करने के लिए किया या उन्होंने जानबूझ से किया, तो मुझे तो ऐसे भी लग रहा है।